हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में, और आशा करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली स्वस्थ रहेंगे और आगे भी अपना आप अपनी फैमिली का ध्यान रखते रहिए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हिंदी की क्लास नंबर 26, और जैसा कि आपको पता है कि अब हम डेली ही हिंदी का एक सेशन तो लेकर आते ही हैं, तो किस तरह से हमारे जो इम्प्रूवमेंट हैं वो हो रहे हैं वो जब आप लोग हमें बताते हो तो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं वो बहुत आगे तक जाएं और बैंकिंग के सेक्टर में केवल और केवल हिंदी के दम पर वो भर्ती हो जाएं। तो इससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं होगी। तो देखो, वाक्य त्रुटि और वाक्यांश के लिए एक शब्द ये आज के सेशन में रहने वाला है, और 30 सेकेंड आपके लेंगे केवल केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो। तो हम आपको बता देते हैं कि हम आपको अपने इस चैनल पर क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको यहाँ पर आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को डेडिकेटेडली प्रोवाइड कराते हैं। हिंदी और कंप्यूटर, ये दो सब्जेक्ट, ये हमारे चैनल की स्पेशलिटी है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके कंटेंट को चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। और साथ ही हम आपको और क्या प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको रीजनिंग और क्वांट, इसके इतने बेहतरीन सेशन लेके आते हैं कि जहाँ पे आपके जो प्रिलिम्स के बैरियर हैं वो बिल्कुल ना अटके। यानी कि हम आपको वो तरीके सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रिलिम्स एग्ज़ाम में बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो इनकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सब तरह से कंटेंट को चेक कर सकते हो, और अगर आपको सेटिस्फाई लगता है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर हम आपको काफ़ी सारी ईबुक्स और पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। 3500 सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन हो गया, या फिर 1000 पजल हो गई, 250 नंबर सीरीज हो गए, या फिर कई सारे जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें हम आपको वहाँ पर लगातार प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही जब भी हम आगे अपनी लाइव क्लासेस लेंगे तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम उसी ग्रुप पर शेयर करते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी बिल्कुल जुड़ जाइए, जिससे कि आपको हर तरह की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिलती रहे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि वाक्य त्रुटि और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये आपके लिए आज पहली बार लेके आ रहे हैं, और किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है वो भी आपको बताएंगे। तो इस स्लाइड में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने कल के मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को कमेंट में बॉक्स में हमें बताया था। तो मिस्टर दीप, इन्होंने अभी तक की जो कमेंट आई है उनमें इनके सबसे अच्छे मार्क्स आए, 18 नंबर आए हैं। सर, ये 22 में से नहीं है, 25 में से है, ठीक है, 18 मार्क्स हैं इनके 25 में से। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहा है, और जो एग्ज़ाम लेवल ओरिएंटेड कंटेंट है वही मैंने बिल्कुल मॉक टेस्ट में रखा था। तो 25 में से अगर इनके 18 नंबर आए हैं, यानी कि इनके 72% मार्क्स आए हैं, और 40 का अगर आप 72% निकालते हो तो लगभग ये 28-29 के आसपास हो जाता है। तो इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू हो चुका है, एक बहुत अच्छा इन्होंने अपने मार्क्स को लेकर आए। उसके बाद हैप्पी वर्ल्ड करके एक हैं, इनके 17.25 आए, ये भी अच्छे मार्क्स हैं। हर्षिता यादव हैं, इनके 17 मार्क्स आए, ये भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अनुज शर्मा 16.50, अच्छे मार्क्स हैं। पंकज माहौरी, इनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 15 नंबर हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल पर लगातार कमेंट करते हैं, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता भी रहता है कि हाँ, ये लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताया कीजिए, जो भी आपका सजेशन हो या फिर कुछ भी हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर के ऊपर निगाह रहती है कि वो कितने टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद है शेखर शर्मा, इनके भी 15 नंबर आए हैं 25 में से। तो अगर आपके 15 नंबर तक आए तो आपकी तैयारी की बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है, और आने वाले टाइम में हम चीज़ों को बहुत अच्छे से और बढ़ाते जाएंगे, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे। इवन आपने कल के मॉक में भी देख लिया होगा कि जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो हमने बहुत अच्छा प्रोवाइड आपको कराया था। इवन जो मॉक टेस्ट 1 था उसकी अपेक्षा मॉक टेस्ट 2 का जो लेवल था वो बहुत हाई लेवल हमने किया था, और उसके बाद भी अगर इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। तो चलिए अब अपने सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं, जहाँ पे होने वाला है सबसे पहले जो सेशन के अंदर हम जो अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वाक्य त्रुटि। तो वाक्य त्रुटि के यहाँ पर मैंने दो तरह की वाक्य त्रुटि ली है। पहली बार देखिए, हमने दो तरह के लिए, पहला एक तो है जहाँ पे मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं और आपको उन सेंटेंसेस में ये बताना है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन से वाक्य गलत है, यानी कि जो वाक्य सही होगा वो उस पर आपको टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद दूसरा
जैसा कि अभी हम जो ओल्ड सीरीज करते आ रहे थे बिल्कुल उसी तरह से आपके सामने वाक्य त्रुटि है कि एक सेंटेंस आपके सामने लिखा होगा वो चार पार्ट में डिवाइड है, वो आपको बताना है कि कौन कौन से पार्ट में एरर है, अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर आप टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आपका बिल्कुल नए तरह का, अभी तक हमने इस तरह के वाक्य त्रुटि आपको नहीं कराई है, तो ये नई तरह से है, ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल भी सकता है। तो इसमें आपके सामने क्या है, आपके सामने यहाँ पर पांच सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, पांच वाक्य लिखे हुए हैं, आपको उस वाक्य को चुनना है। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है वो आपसे त्रुटिपूर्ण वाक्य पूछे, मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि आप उस वाक्य को टिक करेंगे जो वाक्य बिल्कुल पूर्णतः सही है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, उसको आप बताएंगे। लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर हम आपको सब बताएंगे कि कहाँ एरर है और कहाँ एरर नहीं है। तो जब आप पहला सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें आपके सामने लिखा है, लेख साहित्य की एक मूलभूत विद्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे लोग कहेंगे कि सर गलत नहीं है, सही है, विद्या बिल्कुल ठीक है, लेकिन नहीं सर, जो आपका टाइप होता है उसको विद्या नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विधा बोलते हैं। जैसे कि निबंध हो गया, लेख हो गया, उपास क्या बोलते हैं उसको, उपन्यास हो गए, और आलोचनात्मक निबंध हो गए, गद्य हो गए, ये सब क्या है, ये गद्य की विधाएँ हैं, विद्या नहीं है, विधाएँ हैं, प्रकार हैं कि किस किस तरह से चीज़ें गद्य के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ए सेंटेंस में एरर है। फिर जब आप बी में पढ़ते हैं तो ऐसे लेख साहित्य की श्रेणी में आते हैं। आप में से बहुत से लोग इस सेंटेंस को सही करोगे, बहुत से लोग इस सेंटेंस को सही करोगे, लेकिन आपका यहाँ पर जो गलती है वो यहाँ श्रेणी में है। तो श्रेणी में क्यों गलती है सर, श्रेणी ऐसे नहीं लिखा जाता, श्रेणी ऐसे लिखा जाता है, और पता नहीं कितनी बार एग्जाम में इसके ऊपर एरर बनी है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को लगता है कि श्रेणी जैसा कि यहाँ गलत तौर पर लिखा है, इसी तरह से आप लोग मान लेते हो कि यही सही है, लेकिन नहीं, श्रेणी जो आपके सामने मैंने लिख दिया है इस तरह से लिखा जाता है। फिर चलिए सी पर आते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था, इसलिए उन्हें एक अग्रगण्य माना जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें कहाँ एरर है। अब देखिए आपके सामने एक नया शब्द आ गया, अग्रगण्य, यहीं पर ये एरर है। तो अग्रगण्य में क्या एरर है सर, अग्रगण्य ऐसे नहीं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, अग्रगण्य, ये आपका सही लिखा हुआ है, अग्रगण्य, यानी कि जो यहां पे ग के नीचे, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आपके जो ग के नीचे रि की मात्रा है, ये मात्रा इस तरह से नहीं आएगी, ये मात्रा आधा र के रूप में आएगी, अग्र, ठीक है, समझ गए, वो अग्र पढ़ा जाएगा, ये अग्र है, तो अग्रगण्य माना जाता है, यानी कि श्रेष्ठ माना जाता है। फिर डी पार्ट में आ जाइए कि हम कहते हैं कि कृषि नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, परंतु इसमें भी पानी का थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। हम कहते हैं कि कृषि नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, परंतु इसमें भी पानी का थोड़ा सा ध्यान रखा जा सकता है। तो इसमें कहां पर एरर है बताइए। बहुत से बच्चे पता नहीं कुछ भी सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे सर यही नो एरर वाला सेंटेंस है, बता दीजिए। नहीं सर, यहाँ भी गलती है, यहाँ पर खाएंगे गलत लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सही तो लिखा है। नहीं सर, ऐसे नहीं लिखते हैं खाएंगे। बहुत छोटी छोटी गलतियाँ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि किस तरह से आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। खाएंगे ऐसे लिखा जाता है सर, चंद्र बिंदी नहीं आती, केवल एक बिंदी आती है, ठीक है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन खाएंगे ऐसे लिखा जाता है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखना है, और आरआरबी के अंदर जो एग्ज़ाम आता है वहाँ पे आपकी छोटी से छोटी नॉलेज भी चेक की जाती है। बहुत से बच्चे इसीलिए कहते हैं कि हिंदी टफ होती है, क्योंकि वहाँ पे आप उस प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं जाते जहाँ पे जिस लेवल की प्रैक्टिस वो लोग आपसे मांग रहे होते हैं। तो पाँचवें सेंटेंस में देखो, ए बी सी डी अभी तक सब मिरर आई है। फिर देखो, विभिन्न फसलों के पानी की कम खपत वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। विभिन्न फसलों के पानी की कम खपत वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। अब इसमें लग रहा होगा सर कि इसमें कोई गलती लग तो नहीं रही है, पर सेंटेंस भी पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि विभिन्न फसलों के पानी की कमी, या फिर विभिन्न फसलों की पानी की कम खपत वाले अनुसंधान को। तो सर देखो यहाँ क्या एरर है, यहाँ पे आपके लिए कुछ कभी कभी एरर कैसे बनेगी कि जो शब्द प्रयोग होने चाहिए उन शब्दों को ये पहले से ही हटा के रख देंगे। अब आप इस सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, विभिन्न फसलों के लिए पानी की कम खपत वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। यही तो सही होता कि विभिन्न फसलों के लिए पानी की कम खपत वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो आपको एरर समझ में आ गई होगी,
कि यहाँ पर आपका एक शब्द ही इन्होंने गायब कर दिया है, तो यहाँ पे के लिए लिखना चाहिए, तब आपका ये सही होता है, यानी कि ई पार्ट में भी एरर है। तो ए बी सी डी ई कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जो पूरी तरह से कैसा हो आपका, नो एरर हो या फिर त्रुटि रहित हो, ठीक है। और हम आपके सामने त्रुटि रहित बहुत कम रखते हैं क्योंकि हमें आपको हर जगह से चीज़ें सिखानी होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होता है कि अगर त्रुटि रहित वाक्य मिल गया तो ये मान के चलो वो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा घातक चीज़ है, क्योंकि त्रुटि रहित अगर आपको मिल गया वहाँ पर सेंटेंस वो त्रुटि रहित हुआ तो आप कई बार उसको पढ़ेंगे और एक बार बार उसको रीचेक करके ये देखेंगे कि इसमें कहीं तो गलती है, कैसा ऐसे हो जाएगा कि इसमें एरर ना हो, तो वो आपके ना टाइम खराब कर जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि टाइम टेकन अगर कोई चीज़ होती है त्रुटि वाले वाक्यों में, तो वही वाला सेंटेंस होता है जो त्रुटि रहित होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है। तो चलिए अगले सेंटेंस को देखिए। अब हम आपके लिए बिल्कुल जैसा अभी तक हम करते आ रहे थे उसी तरह से आपके लिए वाक्य त्रुटि लेकर आए कि भू जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। भू जलवायु परिस्थितियों के कारण, देखिए ए पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, बी पार्ट लिखा है और सी लिखा है और डी लिखा है, यही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि भू जलवायु परिस्थितियों के कारण, तो भू जलवायु परिस्थितियों के कारण कोई एरर नहीं दिखती है ए पार्ट में, ए पार्ट हमारा सही है। भू जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत पारंपरिक रूप से, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है, यानी कि सी पार्ट भी सही है और डी पार्ट भी सही है, यानी कि आपका जो आंसर टिक करके आता है आप क्या टिक करके आते हैं, ई, जिसमें क्या लिखा होता है, नो एरर, समझ गए, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा अगर सेशन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको बैंकिंग लेवल की हिंदी कोई भी चैनल आपको प्रोवाइड नहीं कराता, और वो भी इतने डेडिकेटेडली कि हम आपके लिए लगातार सेशन लेके आ रहे हैं। चलिए इस सेंटेंस को देखिए कि भारत की 70% से अधिक की जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर अवधारित है। कृषि सूखे का मानव जीवन व अन्य जीवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आप में से कई बच्चों ने एरर ढूंढना शुरू की होगी और देखिए ए बी सी और डी। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए कि ए बी सी और डी भारत की सबको मिल गई होगी कि सर कृषि पर अवधारित नहीं होता, क्या होता है, आधारित होता है, यानी कि बी पार्ट में एरर तो है, ये आप सबने फाइंड कर ली होगी ऐसा मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि बी पार्ट की एरर तो आपको मिल चुकी होगी। फिर कृषि सूखे का मानव जीवन व अन्य, यहां तक बिल्कुल ठीक है, सी में कोई एरर नहीं दिखती। जीवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, सर एक बात बताइए अनुकूल कैसा शब्द है, एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन हम यहाँ किसके प्रभाव की बात कर रहे हैं, कृषि के सूखे का, और कृषि का अगर सूखा होगा तो उसका जो प्रभाव है वो पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, सर जो प्रभाव है उसका वो नेगेटिव पड़ेगा, तो अनुकूल शब्द नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, प्रतिकूल। तो आपको क्या मिल सकता है कि शब्दों का सही प्रयोग न किया हो, जो शब्द आना चाहिए उसकी जगह वो शब्द ना लगा के कोई दूसरा ही शब्द लगा दिया हो, जिससे कि सेंटेंस का जो सेंस है वो गलत हो जाए, इस तरह की एरर भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। तो यानी कि आपके डी पार्ट में भी एरर है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को मैं बता दूं कि हिंदी के अंदर भी एरर ऐसी बनती हैं कि जहां पर आपके जो अन्यथा जो शब्द हैं जो नहीं लगने चाहिए, एक्स्ट्रा जो वर्ड आपके लगा दिए जाते हैं वो भी आपको देखने पड़ते हैं। जैसे कि ए पार्ट में जब आप देखते हो कि भारत की 70% से अधिक की जनसंख्या, अब यहां पर जो शब्द लिखा है की, जब आप इसे की शब्द को देखते हो यहां पर आपकी गलती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा में जोड़ दिया गया है, तो जो शब्द एक्स्ट्रा में जोड़ दिए जाते हैं तो वहां भी वो एरर एक क्रिएट करते हैं कि भारत की 70% से अधिक जनसंख्या, अगर आप इतना बोलेंगे तो बोलने में ठीक है, लेकिन आप बेवजह ही कुछ अन्य शब्दों को उसमें जोड़ देंगे तो वो आपकी जो हिंदी की सुंदरता है, बोलने की जो सुंदरता है, लिखने की जो सुंदरता है, उसको खराब कर देते हैं। और इसी वजह से इनको भी एरर में हम काउंट करते हैं कि भारत की 70% से अधिक की जनसंख्या नहीं होगा, भारत की 70% से अधिक जनसंख्या। तो ये आपका ए पार्ट में भी एरर मिलेगा। अब आपको कुछ इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके जो नंबर आए हैं वो मान लीजिए 70 नंबर आए हैं, 100 में से आपके मान लीजिए 72 नंबर आए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे बताइए कि 70 से अधिक अंक वाले
बच्चे मैं बुलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, 70 से अधिक अंक वाले आ जाओ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में, या फिर मैं ये कहूँ 70 से अधिक अंक के वाले बच्चे आ जाओ। तो भाई ये तो चीज़ हमने गलत बोल दी ना, कि 70 से अधिक अंक वाले बच्चे आओ, सुनने में अच्छा है, सुंदरता है वाक्य में, लेकिन 70 से अधिक अंक के वाले बच्चे आ जाओ, तो हम ये जो वर्ड के है वो हमने एक्स्ट्रा में जोड़ा है, तो वही चीज़ वहाँ पर एरर बना रही है। तो यहाँ पर आपको भी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बात की जा रही है कि सुरक्षित सीमाएं केवल सीमांत इलाकों के लिए ही समस्याएं पैदा नहीं करती, वरन राष्ट्रीय हितों को भी गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। बताइए, यहाँ पर भी उसी तरह से ए बी सी और डी। मैं आपको इस तरह से इसलिए कराता हूँ क्योंकि मैं हर एक जो आपका वाक्यांश है ए का हो या बी का हो, तो मैं सब में कहाँ कहाँ पर एरर है वो मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैं ए बी सी डी अलग लिखता हूँ, ठीक है। तो सुरक्षित सीमाएं केवल सीमांत, सुरक्षित सीमाएं केवल सीमांत इलाकों के लिए ही समस्याएं पैदा नहीं करती हैं, वरन राष्ट्रीय हितों को भी गंभीर क्षति पहुंचाती हैं। देखो सर, राष्ट्रीय हितों को भी गंभीर क्षति पहुंचा रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो आप पहुंचो डी पार्ट में कि गंभीर क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, गंभीर क्षति कौन पहुंचा रहा है, सुरक्षित सीमाओं की बात हो रही है। तो सीमाओं अपने आप में क्या है, सुरक्षित सीमाओं के हिसाब से पहुंचाते आएगा या पहुंचाती आएगा, बताइए कि सुरक्षित सीमाएं गंभीर क्षति पहुंचाते हैं या सुरक्षित सीमाएं गंभीर क्षति पहुंचाती हैं। सर समझ गए होंगे, तो यानी कि हमारा जो डी पार्ट है उसमें एरर है, ये पहुंचाते में एरर है। अगला देखो, वरन राष्ट्रीय हितों को भी, सी पार्ट में देखो कि वरन, वरन का मतलब क्या होता है, बल्कि, ठीक है, राष्ट्रीय हितों को भी, यहां तक ठीक है, सी पार्ट हमारा बिल्कुल एररलेस है। फिर देखो कि सुरक्षित सीमाएं केवल सीमांत इलाकों के लिए ही समस्याएं पैदा नहीं करती, इलाकों के लिए ही समस्याएं पैदा नहीं करती, देखो यहां पर समस्याएं पैदा नहीं करती। तो यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा होगा कि आप सोच रहे हो कि ए के बाद सर ऊपर वो चंद्रबिंदी नहीं लगी है, वो लगी है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया। तो आप देखो, इलाकों के लिए समस्याएं पैदा नहीं करती, यहां पर आपको कोई एरर नहीं दिखती है, यानी कि बी पार्ट भी आपका परफेक्ट है। फिर ए पार्ट, सुरक्षित सीमाएं केवल इलाकों सीमांत इलाकों के लिए ही समस्याएं पैदा नहीं करती, या फिर से सर वही बात, शब्दों का गलत प्रयोग हो रहा है, समस्याएं पैदा हो रही हैं, राष्ट्रीय हितों के लिए भी हो रही हैं और सीमांत इलाकों के लिए भी हो रही है, और किसकी वजह से हो रही हैं, कुछ सीमाओं की वजह से हो रही हैं। तो वो सीमाएं अगर सुरक्षित होंगी तो भाई किस तरह से वो समस्याएं पैदा करेंगी, कोई मुझे ये बताए। तो यानी कि कैसी सीमाएं होंगी, वो सुरक्षित होंगी या असुरक्षित सीमाएं होंगी, बताइए। समझ गए होगे कि कहां पर मैं किस बात को बता रहा हूं, सुरक्षित नहीं होगा या क्या आएगा, असुरक्षित आएगा। और क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे कुछ ऐसी सीमाओं की बात हो रही है जो राष्ट्रीय हितों को भी गंभीर क्षति पहुंचा रही हैं और सीमांत इलाकों को भी, यानी कि जहां पे सीमाओं का अंत होता है। तो वो सीमाएं अगर सुरक्षित होंगी तो कोई मतलब उसमें कोई क्षति हो ही नहीं सकती, क्षति कब होगी, जब वो सीमाएं कैसी होंगी, असुरक्षित होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। चलिए अगले स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। इसमें आप बताइए कि इस तरह की नीतियाँ, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलिए बताइए कि इस तरह की नीतियां आर्थिक नियमों के विपरीत तो है ही, अर्थव्यवस्था को भी स्थायी तौर पर नुकसाने पहुंचाने वाली भी हैं, बताइए। इस तरह की नीतियां, यानी कि ए पार्ट बिल्कुल एररलेस है, ए पार्ट हमारा सही है। इस तरह की नीतियां आर्थिक नियमों के विपरीत तो है ही, बिल्कुल ठीक है, बी पार्ट भी ठीक है। फिर कॉमा, अर्थव्यवस्था को स्थायी तौर पर, ठीक है, नुकसाने पहुंचाने वाली भी हैं, अर्थव्यवस्था को स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली है या नुकसाने पहुंचाने वाली है, बताइए। नुकसाने बना के आप क्या कर रहे हो, एक एरर बना रहे हो कि नुकसाने कुछ होता ही नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाली है, यानी कि डी आपका गलत है, ठीक है। तो एक ना एक सेंटेंस तो आपको ऐसा मिलेगा जो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, आप उसे फाइंड कर पाओ, तो वो इसी तरह के सेंटेंस होंगे। चलिए अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड में अब आपके लिए देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है,
तो आप लोग कह रहे होंगे सर क्या ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द? जी सर बिल्कुल नहीं, वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो कभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें तो वाक्यांश के लिए एक शब्द याद तो करने पड़ेंगे। और किस तरह से पूछे जाते हैं आपके सामने क्या किया जाएगा कि आपका एक गद्यांश लिखा होगा, ठीक है, एक गद्यांश लिखा होगा। अब उस गद्यांश में जिन वाक्यों के लिए एक शब्द आ सकता है उस वाक्य को, उस शब्द की एक व्याख्या उस गद्यांश के अंदर लिखी होगी। अब आपको वो क्या करेगा, उस जो भी वो व्याख्या लिखी होगी या तो उस पूरी व्याख्या को वो प्रश्न में ही लिख देगा, अदरवाइज गद्यांश के अंदर उन व्याख्याओं को वो क्या करेगा, वो बोल्ड लेटर में लिख देगा जिससे कि वो आपको गद्यांश के अंदर अलग से दिखे। फिर वो प्रश्न बनाएगा कि जो भी आपकी रेखांकित हैं या मोटे अक्षरों में लिखी या फिर जो आपके सामने व्याख्या लिख देगा कि इस व्याख्या की जगह कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से पूछा जाएगा, डायरेक्ट नहीं पूछते हैं। गद्यांश के अंदर से ही जब वो 10 प्रश्न पूछते हैं, और नॉर्मली आपको दो गद्यांश देखने के लिए मिलते हैं, एक 8 नंबर का आएगा और एक 7 नंबर का आएगा, कभी कभी एक 10 नंबर का आएगा, एक 5 नंबर का आएगा, और जो दूसरा वाला जो आपका आएगा नॉर्मली जो दूसरा गद्यांश होता है उसमें आपकी जो व्याकरण की जो चीज़ें हैं वो टेस्ट ज़्यादा की जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह से आपसे वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है। तो मैंने अभी तो इस वाले सेशन में केवल दो ही वाक्यांश के लिए शब्द लेके आया हूँ, आगे चल के मैं पूरा एक सेशन लूँगा जहाँ पे मैं आपको कम से कम 50+ करके कराऊंगा, और काफ़ी उसके बाद में बहुत सारे सेशन लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर छोड़ दें, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कराने वाला हूँ, अभी तो आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, ठीक है। तो बस आप लोग धीरे धीरे करके पढ़ते रहो, और अभी बहुत बड़े बड़े सेशन लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आपकी उस इंटेंसिटी से आपकी पढ़ाई नहीं कर सकते, आप ना आपका दिमाग उस इंटेंसिटी से काम करता है कि जब आपको आपका सामने एग्जाम दिख रहा हो तो आप उन चीज़ों के लिए एकदम से बढ़िया तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला आपके सामने क्या है कि वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए, उसके लिए आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि वह व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं दत्तक। आपको याद भी होगा कि रानी लक्ष्मीबाई वाला एक चैप्टर रहा है, उसमें वो अपने दत्तक पुत्र को लेके चलती थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर गलत हूँ तो भाई सॉरी, मुझे हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ मैंने आपको सही बताई है कि जिस व्यक्ति को गोद लिया जाए उसे हम कहते हैं दत्तक। यानी कि कोई माता पिता या तो किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं किसी भी अनाथालय से जाकर या फिर अपने रिलेटिव से ही, तो वो जो बच्चा होगा वो कैसा कहलाया जाएगा, दत्तक कहलाया जाएगा, ठीक है। अगला देखो कि जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, तो जिसका कोई अर्थ ना हो, देखो सबसे पहली चीज़ असार्थक कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको केवल कन्फ्यूज करने के लिए कि जिसका अर्थ होता है उसे आप सार्थक कहते हो, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे असार्थक लगा दो, तो भाई ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। निरक्षर किसे कहोगे, निरक्षर जो कुछ नहीं जानता, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो निरक्षर है। फिर निरअर्थ और निरर्थक, तो मैं आपको बता दूं निरअर्थ कोई शब्द नहीं होता है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो हमारा जो आंसर टिक होगा वो क्या होगा, निरर्थक, ठीक है। तो आज का हमने सेशन यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत से बेहतरीन कंटेंट आपको लगातार अवेटेड है और बहुत सी सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही है भाई, ये सारी चीज़ें हैं ही, और साथ में आप क्या कर सकते हो, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हो, और ये आप बिल्कुल कीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है, तो आराम से घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, और जिस तरह के जो माहौल चल रहा है अभी उससे थोड़ा सा बच के रहिए, और निगेटिव लोगों से और निगेटिव जानकारियों से दूर रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे सेशंस को देखते रहिए।